हे गाइस, मैं हूँ श्वेता। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। मैंने पर डे 10 करंट अफेयर्स बनाए थे, उन सभी का कलेक्शन मैंने इस पीडीएफ में किया हुआ है, जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जानते ही हैं कि किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम में आजकल जो करंट अफेयर्स हैं काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अगस्त मंथ का करंट अफेयर। तो पहला जो करंट अफेयर है वो है विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। तो विश्व जैव ईंधन दिवस जो मनाया जाता है वो 10 अगस्त को मनाया जाता है, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। हाल ही में 22 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड किस राज्य ने बनाया है? तो किस राज्य ने बनाया है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया है 22 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का रिकॉर्ड, और ये यूपी वाले जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने डिस्कवर इंडिया योजना शुरू की है? तो एयर इंडिया द्वारा डिस्कवर इंडिया योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस बैंक ने पहला हेल्थ क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो हेल्थ क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? आरबीआई बैंक द्वारा, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कि हाल ही में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? तो सेरेना विलियम्स बनी थी फोर्ब्स की सर्वाधिक जो कमाई करने वाली महिला एथलीट। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, योजना से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इसको लर्न कर लीजिए कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना किसके द्वारा शुरू किया गया? तो हरियाणा सरकार द्वारा। नेक्स्ट है कि पीएम मोदी किस देश की यात्रा पर जाएंगे? तो ये अगस्त का करंट अफेयर, जा चुके हैं वो भूटान देश की यात्रा पर गए थे, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है वो देखेंगे हम। किस राज्य ने मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये यूपी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, अदर एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो किसने स्टार्ट किया है मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना? तो योजना की बात हो रही, तो किसने स्टार्ट किया? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये योजना चलाई जाएगी। नेक्स्ट है, किस फिल्म ने 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो हेलारो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। हेलारो जो है गुजराती फिल्म है, उसको मिला था 66 जो राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हुआ था, पुरस्कार हुआ था, ठीक है, उसमें दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में डेविड वर्मन का निधन हो गया, वह क्या थे? डेविड वर्मन एक गायक थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने लेदर मिशन लॉन्च किया? तो लेदर मिशन जो लॉन्च किया गया था वो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन यानी कि KVIC द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश में सबसे बड़े तोते की खोज की गई है? तो न्यूजीलैंड में सबसे बड़े तोते की खोज की गई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में T20 क्रिकेट में 7 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो खालिस एफरमैन जो है वो T20 जो क्रिकेट था उसमें 7 विकेट उन्होंने लिए, तो ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं, खालिस एफरमैन। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत का शीर्ष खुदरा विक्रेता कौन बना है? तो वॉलमार्ट बना है भारत का शीर्ष खुदरा विक्रेता। नेक्स्ट है कि हाल ही में मिस डेफ वर्ल्ड 2019 कौन बनी है? ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो विदिशा बलियान जो कि यूपी से है, ठीक है, विदिशा बलियान बनी है मिस डेफ वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है कि नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम का क्या स्थान है? तो नवीनतम जो फीफा रैंकिंग हुई थी उसमें जो भारतीय फुटबॉल टीम का स्थान है वो है 103वां। नेक्स्ट है कि कौन अगले केंद्रीय गृह सचिव होंगे? तो अजय कुमार भल्ला जो है वो गृह सचिव बना दिए जा चुके हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वालों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो अब जो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वालों की संख्या है वो 48 हो गई है, यानी कि 48। नेक्स्ट है कि 2019 में वीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया? तो आपको पता ही है, विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को सम्मानित किया गया। अब नेक्स्ट देखते हैं,
ये क्वेश्चन थोड़ा क्रॉप गया है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि लिखा क्या है। क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2019 किसने प्रदान किए हैं। तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2019 जो है वो प्रदान किया गया है किरण रिजिजू द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कि मिशन रीच आउट किस राज्य में शुरू हुआ है। तो मिशन रीच आउट जो शुरू हुआ था वो जम्मू कश्मीर राज्य में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है कि हाल ही में रोजर्स कप टेनिस टूर्नामेंट 2019 किसने जीता। तो वियांका एंड्रुस्कू ने जीता रोजर्स कप टेनिस टूर्नामेंट। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने देशभक्ति गीत वतन जारी किया है। तो दूरदर्शन ने जारी किया था देशभक्ति गीत वतन। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की 100वीं जयंती पर गूगल ने उनका डूडल बनाकर याद किया। तो विक्रम साराभाई। गाइस मैं फास्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चन है, 180 से ज्यादा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो आप इसको या तो अगर ज्यादा फास्ट है तो आप स्लो करके सुन लीजिए, और नहीं फिर भी याद होता है तो आप इसको देखने के बाद अगर PDF से याद कर लेंगे तो भी ठीक रहेगा। तो इसको हम जल्दी जल्दी कवर करते हैं, अगर ज़्यादा टाइम लेंगे तो बोर हो जाएगा, तो इसलिए बोर नहीं होना है, हमें याद करके ही जाना है। कहते हैं ना कंठस्थ कर लेना है इसको अच्छे से, तो चलिए कंठस्थ करते हैं, याद करते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में 15 किलोमीटर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। तो छत्तीसगढ़ राज्य में 15 किलोमीटर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। हाल ही में मोटर स्पोर्ट में विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी। तो ऐश्वर्या पिस्से बनी। नेक्स्ट है कि हाल ही में रिबॉक के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो वरुण धवन को। नेक्स्ट है कि श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपर स्टार पुस्तक किसने लिखी। तो ये बुक है, तो बुक की जहाँ बात होती है तो वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये लिखा है सत्यार्थ नायक ने। नेक्स्ट है किस कंपनी ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम हारमोनी OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। तो हुआवेई ने लॉन्च किया है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम हारमोनी। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस एथलीट को SEI एथलेटिक्स एसोसिएशन के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो PT ऊषा को नियुक्त किया गया है, जो कि उड़न परी के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि किस खेल को बर्मिंघम CWG यानी कि कॉमनवेल्थ गेम जो 2020 में होगा, ठीक है 2020 में होगा जो, तो उसमें जोड़ा गया है, कौन सा ऐसा खेल है। तो महिला क्रिकेट को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 यानी कि 2020 का शुरुआत किसने किया। तो हरदीप सिंह पुरी ने किया। नेक्स्ट है कि गूगल द्वारा आयोजित डूडल फॉर गूगल 2019 का पुरस्कार किसने जीता। तो अजंताजा पेना ने जीता। ठीक है, नेक्स्ट है कि वर्ष 2019 का विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया। तो विश्व संस्कृत दिवस जो मनाया जाता है वो 15 अगस्त यानी कि जिस दिन हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है उसी दिन मनाया गया था ये भी। नेक्स्ट है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में किस राज्य की GDP जो है वृद्धि दर सबसे ज्यादा रही है। तो पश्चिम बंगाल की रही है, 12.58%। नेक्स्ट है किसानों को तकनीक जोड़ने के लिए भू विज्ञान और कृषि मंत्रालय ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो मेघदूत नाम है। ठीक है, आपको भले नहीं दिख रहा होगा लेकिन जो ऐप है वो मेघदूत। नेक्स्ट है कि कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 76वां देश बन गया है। तो पलाऊ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत ही ज्यादा अच्छे से लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो पलाऊ है जो कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो देश है, कई सारे देश शामिल है ना उसमें, तो उसमें 76वां ये देश बन गया है पलाऊ। नेक्स्ट है कि भारत की पहली महिला विधायक का क्या नाम है जिनके सम्मान में गूगल ने डूडल बनाया है। तो मुथु लक्ष्मी रेड्डी के याद में सम्मान में बनाया था गूगल ने डूडल। नेक्स्ट है कि बाघों की जनगणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघ मौजूद हैं। तो मध्य प्रदेश में। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी विश्व कप 2020 यानी 2020 की मेजबानी करेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा वो हो गया है, छूट गया है, चलिए कोई बात नहीं, इसको बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में पानी से चलने वाली अंतरिक्ष यान की का प्रदर्शन किसने किया है। ये जो क्वेश्चन छूट गया था उसे देख लेते हैं एक बार, कि कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी विश्व कप 2020 की मेजबानी करेगा। तो वो करने वाला है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो आप इसे लर्न कर लीजिए, अभी हमारा प्यारा भारत उस मेजबानी करेगा। किस चीज की? अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी की। कहाँ पे होगा? दिल्ली में होगा। आगे देखते हैं, आगे है कि हाल ही में पानी से चलने वाले अंतरिक्ष यान का प्रदर्शन किसने किया है। तो नासा ने किया है। हाल ही में वस्त्र गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो चीन के साथ किया है। हाल ही में किसे कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो KSIVAN जो इसरो के अध्यक्ष है उनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन भारत में सबसे अधिक भुगतान वाले बैंक के CEO बन गए हैं? तो आदित्य पुरी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया
इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया है तो वीजी सोमानी को। हाल ही में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में दीपक पुनिया ने कौन सा पदक जीता है तो स्वर्ण पदक। हाल ही में जल जीवन मिशन की घोषणा किसने की है तो नरेंद्र मोदी जी ने की है जल जीवन मिशन की घोषणा। नेक्स्ट है कि हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का शुभारंभ किसने किया है तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया था। नेक्स्ट है कि लाइफ टॉप में अनोंगली किसकी आत्मकथा है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बुक है। तो किसने लिखा है, अनुपम खेर ने लिखा है, अनुपम खेर की ये बुक है लाइफ टॉट मी अनोंगली। नेक्स्ट है कि हाल ही में 15 अगस्त को कौन से क्रम का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है तो 73वां क्रम का। नेक्स्ट है कि हाल ही में विद्या सिन्हा का निधन हुआ है, वह क्या थी तो बॉलीवुड अभिनेत्री थी। फिर है कि हाल ही में कौन फ्रांसीसी सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शेफ बन गए हैं तो प्रियम चटर्जी। नेक्स्ट है किस भारतीय खिलाड़ी ने किसी एक दशक में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20,000 रन पूरे करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं तो विराट कोहली। नेक्स्ट है कि भारत का पहला कौशल संस्थान कहाँ बनाया गया तो मुंबई में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख कोच के रूप में नियुक्त किया गया है तो रवि शास्त्री को किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया गया है तो बजरंग पुनिया को। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की तिरूर सुपारी को GI टैग दिया गया है यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो किसे दिया गया है, केरल राज्य की तिरूर सुपारी को। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने अपने पहले CNG ईंधन स्टेशन का उद्घाटन किया है तो असम राज्य ने किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की दिवसीय यात्रा पर गए तो हमने पहले पढ़ा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप करते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश की प्रसिद्ध उपन्यासकार तथा लेखक रजिया रहमान का निधन हो गया है तो वो बांग्लादेश की लेखक और उपन्यासकार थी। नेक्स्ट है कि कौन सी राज्य सरकार राज्य के सभी मजदूरों के बच्चों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी आवासीय विद्यालय स्थापित करेगी तो हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत ने वर्ल्ड जूनियर ट्रैक साइकिलिंग में कौन सा पदक जीता है तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की घोषणा किसने की है तो नरेंद्र मोदी जी ने की है। नेक्स्ट है हाल ही में किस जगह पर आदि महोत्सव शुरू हुआ तो लद्दाख में शुरू हुआ। आगे देखते हैं। आगे है कि हाल ही में विलेज वॉलेंटियर सिस्टम किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है तो आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है विलेज वॉलेंटियर सिस्टम। नेक्स्ट है हाल ही में लखनऊ के हजरतगंज चौराहे का नाम बदलकर क्या रखा गया है तो अटल चौक। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस शहर का नाम बदला गया है, किस राज्य का नाम बदला गया है तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है तो आप इसे लर्न कर लीजिए। तो ये किसका है, चौराहे का नाम है तो क्या रखा गया है लखनऊ के हजरतगंज चौराहे का नाम, अटल चौक। नेक्स्ट है हाल ही में IWWFN की रिपोर्ट के अनुसार वन्य जीवों की आबादी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है तो 53%। हाल ही में चैतन्य महाप्रभु पर पहला संग्रहालय किस राज्य में लॉन्च किया गया है तो पश्चिम बंगाल में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन भूमि राजस्व भुगतान का शुभारंभ किया है तो किसने किया है, उड़ीसा सरकार ने। हाल ही में प्रेम भाटिया पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है तो राजदीप सरदेसाई को। विश्व हाथी दिवस हर साल कब मनाया जाता है तो 12 अगस्त को, आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि 19 अगस्त को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है तो विश्व मानवीय दिवस। हाल ही में नीलम शर्मा का निधन हो गया है, वो क्या थी तो वो वरिष्ठ पत्रकार थी। वो हाल ही में सेकेंड नाइट नामक उपन्यास लॉन्च किया गया है, इसके लेखक कौन है, राजीव डोगरा है। नेक्स्ट है हाल ही में ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा तो नरेंद्र मोदी जी को किया जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में ये सम्मानित किया जा चुका है तो काफी इंपॉर्टेंट है तो नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किसे किया गया है, ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार से। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिल्का तथा अनसुपा झीलों की संरक्षण योजना की मंजूरी दी है, ये आपकी झीले हैं तो ओडिशा सरकार ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में टीचर एजुकेशन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ तो नई दिल्ली में। तो ये हाल ही में नहीं हुआ है, ये अगस्त का करंट अफेयर है तो अगस्त में हो चुका है ये सब, ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया तो फोटोग्राफी दिवस जो मनाया गया था वो 19 अगस्त को मनाया गया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन भूमि राजस्व भुगतान का शुभारंभ किया है, उड़ीसा सरकार ने, ये हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में सद्भावना दिवस कब मनाया गया तो सद्भावना दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल सेवेंद्र सिल्वा को किस देश की सेना का कमांडर नियुक्त किया गया है तो श्रीलंका के जो कमांडर नियुक्त हुए हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल सेवेंद्र सिल्वा। नेक्स्ट है हाल ही में पेटीएम कंपनी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है तो मधुर देवड़ा को नियुक्त किया गया है पेटीएम कंपनी का अध्यक्ष। हाल ही में विश्व युवा चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा तो विश्व युवा चैंपियनशिप जो होगा वो मुंबई में होगा आयोजित। किस राज्य ने निकोटीन को क्लास ए पॉइजन के रूप में वर्गीकृत किया है तो कर्नाटक राज्य ने। नेक्स्ट है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार किस
किस राज्य में सबसे कम और वन वृक्ष है? तो हरियाणा है, हरियाणा में सबसे ज्यादा कम वन और वृक्ष पाए गए। ठीक है, भारतीय नौसेना किस जगह बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन की मेजबानी करेगा? तो बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, ये जितने भी अभ्यास होते हैं, जितने भी आपके एक्सरसाइज होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो नौसैनिक बहुपक्षीय जो अभ्यास है मिलन, उसका नाम मिलन है, वो मेजबानी करेगा विशाखापत्तनम। किसको ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो हॉकी के जादूगर हैं ध्यानचंद, तो किसको सम्मानित किया जाएगा? अरूप बसक को। हाल ही में किसने चीन का हुनान अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीता है? तो सूर्य शेखर गांगुली ने जीता है। हाल ही में अंडर 12 एशियाई टेनिस चैंपियनशिप किसने जीती है? तो भारत ने जीती है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल फगडाबा योजना, ये इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, स्कूल फगडाबा योजना आ सकता है, तो मणिपुर ने लॉन्च किया है, मणिपुर ने शुरू किया है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं? तो जाम्बिया के आ चुके हैं। ठीक है, ये अगस्त का है। हाल ही में किसने दक्षिण एशियाई स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल ऑर्गेनाइज होता है, तो ये हमारे भारतीय मूल के नवनीत मुरली हैं जो उन्होंने जीता है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर का निधन हुआ है? तो मध्य प्रदेश के थे बाबूलाल गौर। हाल ही में किस आईआईटी ने स्टार्टअप पुरस्कार जीता है? तो आईआईटी दिल्ली ने। किस राज्य ने सर्वत सेहत बीमा योजना शुरू की है? तो पंजाब ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, जहां भी योजना है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, 2019 विंबलडन में महिला एफएल इवेंट की विजेता कौन बनी है? तो वो सिमोना हालेप बनी है। हाल ही में मोहम्मद जहूर खय्याम हाशमी का निधन हो गया, वह क्या थे? तो प्रसिद्ध संगीत निर्देशक थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। किस देश की क्रेडिट कार्ड कंपनी ने भारत में नए क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए एनपीसीआई के साथ साझेदारी की है? तो जापान ने। भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक पुस्तक 1870, ठीक है, 2019, जिसका शीर्षक रीसेट है, ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? ये सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन पीस के अनुसार कौन सा देश सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक है? तो भारत है सल्फर डाइ का सबसे बड़ा उत्सर्जक। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन है? भारत है, इसे भी अच्छे से लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर चिप का अनावरण किया है? तो सेरेब्रस सिस्टम के द्वारा किया गया है। हाल ही में किसने द डायरी ऑफ मनु गांधी पुस्तक का अनावरण किया है? तो प्रहलाद सिंह पटेल। स्टेट रूफ टॉप सोलर अट्रैक्शन में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो कर्नाटक। हाल ही में किसे पुष्किन पदक 2019 से सम्मानित किया गया है? तो मीता नारायण को। हाल ही में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत किसने की है? रामनाथ कोविंद ने। हाल ही में अमेरिका के कैटोलिना चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सत्येंद्र सिंह लोहिया बन गए थे अमेरिका के कैटोलिना चैनल को पार करने वाले। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार है वो किसने जीता है? तो अरबी भाषा की लेखिका है वो जोखा अलहारती, जो कि ओमान की है, उनको दिया गया है प्रतिष्ठित मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। और किस लिए मिला है? तो उनकी जो बुक है सेलेस्टियल बॉडी, उसके लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत दूसरी डबल डेकर उदय एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलेगी? तो विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा। नेक्स्ट है, सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सीएपीएफ के कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी कर दी गई है? तो 60 वर्ष। नेक्स्ट है, हाल ही में एफएटीएफ की एशिया पैसिफिक ग्रुप ने किस देश को ब्लैकलिस्ट कर दिया है? तो पाकिस्तान को कर दिया है एफएटीएफ ने। हाल ही में किस देश ने अपना पहला रोबोट फेडोर को अंतरिक्ष में भेजा है? तो रूस ने भेजा है। हाल ही में डिस्कवरी इंडिया ने सुंदरबन को संरक्षित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो WWF के साथ। टीम इंडिया के नए बल्लेबाज कोच जो है वो कौन नियुक्त हुए हैं? वो विक्रम राठौर हुए हैं। किस भारतीय कंपनी की पुस्तक है बिग बिलियन स्टार्टअप अक्टूबर में लॉन्च होगी? तो फ्लिपकार्ट की हो चुकी है, ये नवंबर चल रहा है। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी? तो नरेंद्र मोदी जी ने और किरण रिजिजू ने की थी, जो कि खेल मंत्री हैं। नेक्स्ट है कि फोर्ब्स की सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेता की सूची में शीर्ष पे कौन रहे थे? तो ड्वेन जॉनसन। किस देश ने एक नई मिसाइल लड़ाई प्रणाली बाबर 373 का अनावरण कर दिया है? तो ईरान ने। हाल ही में अब्दुल्ला हमदोक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने थे? तो सूडान के। ठीक है, अमेजन के वर्षावन किस महाद्वीप में फैले हैं? तो दक्षिणी अमेरिका में। आगे देखते हैं, आगे है कि हाल ही में संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक 2.0 रिपोर्ट किसने जारी की? तो नीति आयोग ने। अरुण जेटली पहली बार कैबिनेट मंत्री कब बने थे? तो 2000 में बने थे, सन 2000 में। हाल ही में विश्व युवा चैंपियनशिप में भारत की तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है भारत ने विश्व युवा चैंपियनशिप में तीरंदाजी में। ठीक है, हाल ही में किसने मुंबई में प्रोजेक्ट श्योर को लॉन्च किया है? तो स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया है। हाल ही में पोषण अभियान जो अवार्ड हुआ है किसके द्वारा दिया गया है? तो स्मृति ईरानी जो है उनके द्वारा ही दिया गया है, जो कि कपड़ा मंत्री रह चुकी है। ठीक है, कपड़ा मंत्री है वो।
हाल ही में किसने प्रथम विश्व युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो रामनाथ कोविंद ने। हाल ही में टाइम के 100 महानतम स्थानों में भारत के कितने स्थान शामिल किए गए हैं? तो दो। किस देश ने तैरता हुआ परमाणु रिएक्टर लॉन्च किया है? तो रूस। ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में स्मार्ट पुलिसिंग पुरस्कार किसे प्रदान किया है, किसने प्रदान किया है? तो फिक्की ने किया है। हाल ही में राजीव गौबा के स्थान पर भारत के नए गृह सचिव कौन बने हैं? तो अजय कुमार भल्ला। आगे देखते हैं। हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो पीवी संधू। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने बैडमिंटन जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ है उसमें महिला एकल में खिताब जीता है, तो पीवी संधू है वो। हाल ही में राजस्थान में हुनर हाट का उद्घाटन किया गया है, किसके द्वारा? मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को द हम्माद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा से सम्मानित किया गया है, तो कहाँ का अवार्ड है, कहाँ का सम्मान है ये? बहरीन का। ठीक है, बहरीन की यात्रा पे गए थे वो। कौन सा देश IIB का 73वां सदस्य बना है? तो सर्बिया। हाल ही में मूडीज ने 2019 के लिए भारत की विकास दर पूर्वानुमान को 6.8 से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो 6.2%। किस राज्य ने प्लास्टिक के एकल प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो बिहार राज्य ने। हाल ही में भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन का आयोजित कहाँ किया गया? तो दिल्ली में। वर्मम विज्ञान पर 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो चेन्नई में। किसे क्लार्क आर वॉविन वन्यजीव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो विवेक मेनन को। हाल ही में प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार 2019 के लिए किसे चुना गया? तो प्रभाकर सिंह को। ब्रिटिश ग्रांड जो लिमिटेड है किसने जीता है? तो वो जीता है एलेक्स रिस ने। ठीक है, बांद्रा स्टेशन की विरासत डाक टिकट का जो अनावरण है किसने किया है? तो शाहरुख खान ने किया है। हाल ही में 45वां जो शिखर सम्मेलन हुआ था कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। कौन सा देश AIIB का 73वां सदस्य बना है? तो सर्बिया बना है। हाल ही में, ये तो दोबारा हम लोग पढ़ चुके हैं एक बार। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने 3 नए उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए हैं? तो कर्नाटक राज्य ने 3 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम किया जाएगा? तो फिरोज शाह कोटला का कर दिया गया है अरुण जेटली स्टेडियम। नाम बदलकर फिरोज शाह कोटला जो स्टेडियम है उसका नाम बदल दिया गया है और रखा गया है अरुण जेटली स्टेडियम, जो कि हमारे पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, किस राज्य ने सार्वजनिक परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च की है? तो तमिलनाडु ने की है। किस राज्य में एकीकृत कपड़ा पर्यटन परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो मेघालय में किया गया है। भारत की पहली महिला पुलिस महानिदेशक का निधन हो गया था, तो वे कौन थी? कंचन चौधरी भट्टाचार्य। प्रधानमंत्री मोदी ने बहरीन में किस मंदिर का पूर्ण विकास योजना का शुभारंभ किया है? तो श्री कृष्ण मंदिर का किया है। कहाँ पे? बहरीन में किया है। ठीक है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्री कौन बनी है? तो स्कारलेट। और अभी हमने अभिनेता पढ़ा था तो क्या था? ड्वेन जॉनसन था। ठीक है, और अभिनेत्री कौन है? स्कारलेट जॉनसन। फिर है VS धनोवा किस देश की यात्रा पर गए थे? तो थाईलैंड की। हाल ही में VS कुटी का निधन हुआ है, वो कौन थे? शांति कार्यकर्ता थे। किस महीने को पोषण महीने के रूप में मनाया जाता है? तो सितंबर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो 1 से 7 सितंबर में जो पहला वाला जो हफ्ता होता है उसको मनाया जाता है पोषण माह के रूप में। ठीक है, हाल ही में किस हाईकोर्ट ने 3 न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तेलंगाना। ठीक है, दिकनीरा बट तेलंगाना है। फिर है कि हाल ही में जन औषधि सुगम ऐप किसने लॉन्च किया है? तो DV सदानंद गौड़ा ने किया था। हाल ही में IAF की पहली महिला फ्लाइट कमांडर कौन बनी? शालिजा धामी बनी। ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अपशिष्ट प्लास्टिक को डीजल में बदलने का प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो उत्तराखंड में हुआ। किस देश ने अपनी नई राजधानी बनाया है? तो इंडोनेशिया ने बनाया है, बोर्नियो द्वीप है। ठीक है, फिर है हाल ही में किस कंपनी ने भारत में 5,000 सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने की है। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च किया है? तो HRD मंत्रालय ने लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए TV चैनल लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु ने किया है। किसे पेटीएम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अमित नैयर को किया गया है। हाल ही में सामुदायिक रेडियो सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय से संबंधित किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? तो उस एप्लीकेशन का नाम है उमंग। 12वें भारत सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में किया गया था। हाल ही में कोल इंडिया के नए प्रमुख कौन बने? तो प्रमोद अग्रवाल। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर। हाल ही में जारी इंडिया चाइल्ड वेल बीइंग इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? तो केरल राज्य रहा था। हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी? तो खेल मंत्री किरण रिजिजू और प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी। हाल ही में इंडिया रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2019-20 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 6.7%। हाल ही में हर रविवार डेंगू पर वार अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? तो दिल्ली ने किया।
था। हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? तो अजंता मेंडिस ने की थी। 25वीं सीनियर महिला नेट फुटबॉल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में एकीकृत ऑनलाइन जंक्शन सगुन का शुभारंभ किसने किया? तो रमेश पोखरियाल ने किया था। हाल ही में शूटिंग वर्ल्ड कप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो अभिषेक वर्मा ने जीता। किस राज्य के दो उत्पादों ताले और कड़ांगी साड़ियों को जीआई टैग मिला? तो तमिलनाडु राज्य के, ये काफी इंपॉर्टेंट है जीआई टैग। नीमू भौमिक का निधन हो गया, वे प्रसिद्ध क्या थे? तो अभिनेता थे। ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो पीटर बेकर है। किस राज्य ने वॉक टू वर्क अभियान की शुरुआत की? तो मेघालय राज्य ने, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेपाल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किस जगह किया गया? तो काठमांडू में किया गया। योग पुरस्कार से किसके द्वारा प्रदान किया गया योग पुरस्कार? तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। अमेरिका में मैत्री ऐप, मोबाइल ऐप जो है, उसने कौन सा पुरस्कार जीता? तो टेक पुरस्कार जीता। और एकीकृत उपयोग वाले प्लास्टिक पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो एयर इंडिया ने लगाया है। तो ये थे गाइस अगस्त के सारे करंट अफेयर्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट वीडियो में जो रहेगा वो आपके सितंबर मंथ का टोटल करंट अफेयर रहेगा मेरे नोट्स से। तो आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम से और आराम से पढ़िए। थैंक यू सो मच।